अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी यूनिक बाइट। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक सोवा मेथी की भाजी, जो हर इंडियन घर में बनती है अपने अपने स्टाइल से। मैं एकदम सिंपल बनाती हूँ, शायद मेरे जैसा भी सब बनाते होंगे, लेकिन फिर भी मैं सोची मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मैंने रात में काट के पालक सोवा मेथी और या पोटैटो को काट के रख लिया था। मैंने ऐसे लंबा लंबा पोटैटो काटा है, आप जैसे भी साइज़ में चाहो वैसे काट सकते हो। इसमें मैंने एक मीडियम प्याज काटी है, चार ग्रीन चिल्ली, बस इतना ही सामग्री हमारे इसमें पड़ेगा, और हल्दी और नमक। तो हमारा पैन गर्म हो गया है, हमने इसमें तो हमारे 50 ml का मेरा ये है, तो पूरा 50 ml मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। और एक तरफ मैंने अपनी दाल भी चढ़ाई हूँ, इसमें भी हम डालेंगे 1/2 tablespoon हल्दी और सॉल्ट टू टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 tablespoon लहसुन का पेस्ट, 1 tablespoon लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और फिर इसको ढक्कन लगा देंगे। तो हमने कुकर में हमारे ढक्कन लगा दिया है, 2 सीटी में हमारी दाल गल जाती है और हमारा ऑयल भी गर्म हो गया अच्छी तरीके से। हम इसमें हमारा ऑनियन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी प्याज लाल हो गई है, हल्की हल्की गुलाबी हो रही है, तो हम इसमें साथ में नमक भी यही स्टेज पे ऐड करेंगे, और हमारी हल्दी भी इसी स्टेज पे ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से चलाएंगे कि हमारी हल्दी का कच्चापन निकल जाए। मैं तो ऐसे ही पकाती हूँ, आप कैसे पकाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिर्ची की धार सारी है, और मिर्ची भी मैं यही स्टेज पे इसमें डाल देती हूँ। अब साथ में हम इसमें भाजी भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने सारी भाजी को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया हमारे पैन में। अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे कि हमारा प्याज नीचे से जले नहीं। हमने गैस स्लो कर दिया भाजी डालने के टाइम पे, ये प्याज नीचे से जल नहीं जाए हमारी। अब हम गैस को करते हैं फास्ट और सबको अच्छे से मिला लेते हैं। आज लाइट नहीं है तो थोड़ा वीडियो में से अंधेरा जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी भाजी हमारी अच्छी दिख रही है। देखिए ना, भाजी ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमें भाजी में पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमारी भाजी खुद ही अपना पानी छोड़ती है। वॉश करने के बाद भी उसमें पानी खुद इतना आ जाता है कि वही पानी में हमारा आलू भी गल जाता है और हमारी भाजी भी पक जाती है। तो हम गैस को करेंगे थोड़ा स्लो और 10 to 15 minutes इसको स्लो पर पकने देंगे, बाद में चेक करेंगे। देखिए हमने 2 सीटी के बाद कुकर को खोल दिया है, और हमारी दाल देखिए एकदम अक्खी अक्खी है, ना ज़्यादा गली है ना ज़्यादा अक्खी है। तो अब हम इसको ऊपर देखिए अच्छी गाढ़ी है, तब हम इसको पका देंगे। लाइट नहीं है ना, तो लाइट की वजह से ना थोड़ा स्लो मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है। तो हमने भगाने के लिए देखिए हमें 50 ml तेल लिया है, और ये 50 ml तेल से हम अपनी दाल को भगा रहे हैं। भगाने के लिए हमने 4-5 कली लहसुन की बारीक बारीक काट लिए, और कड़ी पत्ता है, राई है, ज़ीरा है 1/2 tablespoon ये कड़ी पत्ता है, इससे हम दाल को अपनी भगा रहे हैं। ये हमारा तेल हो गया गरम, अब हम इसे पूरा भगा हमारा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेल अच्छी तरीके से हमारा गरम हो गया है। देखिए हमारा तेल अच्छे से गरम हो रहा है, गरम हो गया सॉरी, हल्का लाइट ब्राउन हमारा लहसुन होगा, तो हम इसको भगा देंगे। आज लाइट नहीं है ना, तो थोड़ा वीडियो में अंधेरा दिख रहा है, और फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं हो रही है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप प्लीज़ संभाल के अंडरस्टैंड होके ज़रा इसको करिए। देखिए हमारा ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, देखिए हमारा बघार हो गया है। अब हम इसको अपनी दाल में डाल देंगे, इसको भी इसमें अंदर छोड़ के और ढक्कन डाल देंगे।
ढक्कन को बंद कर दिया है बघार को डाल के। अब इसको चेक करेंगे कितनी अच्छी दाल हमारी बगर गई है। हाँ देखिए दाल अच्छी से बगर गई है। रुको अभी डैडी को नाम बोलती हूँ उसका। हाँ देखिए मेरी दाल कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर दिख रही, कितनी अच्छे से इसमें बघार आया। देखिए मेरी दाल, अभी दाल हमारी पक गई है। सोवा मेथी भाजी को चेक करते, 15 मिनट हो गया है। देखिए हमारा ये आलू गल गया एकदम से, एकदम अच्छा सॉफ्ट हो गया। पानी भी पूरा भाजी का नहीं, सूखा नहीं है पानी, अंधेरा नहीं दिख रहा नहीं है। देखिए अब हम तो गैस को फास्ट करके भाजी को अच्छे से भून लेंगे, पूरा इसका पानी सुखा देंगे गैस को फास्ट करके। तो हमारी भाजी अच्छे से गल गई है, भाजी का भी कलर चेंज हो गया और बटाटा भी हमारा गल गया। ज़्यादा चलाना नहीं तो हमारा बटाटा फूट जाएगा। हल्के हाथों से चलाना है कि हमारा इसमें पानी जो है वो सूख जाए पूरा पानी। और भाजी को अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। भाजी के साथ अभी हमने अपना चावल रखा है, चावल हम पका रहे हैं। इसमें भी हम नमक डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, अपने हिसाब से अपने चावल में नमक डालिए आपको कितना लगता है। और ये भाजी हमारी भून रही है इस तरह। अंधेरा होने के बावजूद भी भाजी का कलर कितना अच्छा दिख रहा है कैमरे में। इसका पूरा पानी जल जाना चाहिए, अच्छी तरीके से भूनेंगे कि पानी पूरा सूख जाए और पूरा तेल छोड़ दे पैन। और उसको खोल के ही हम भूनेंगे, ढक्कन ढक के नहीं भूनेंगे, नहीं तो हमारे आलू जो है वो बहुत ज़्यादा मैश हो जाएंगे। देखिए मेरा पूरा भाजी का पानी सूख गया है और हमारी भाजी पहले तो थोड़ी लगने लग गई है, इसका पैन पर थोड़ी लगने लग गई है, इसका मतलब हमारी भाजी भून गई है। ये अच्छी खिली खिली अलग अलग पटेटो भी अलग अलग दिख रहा है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे हम इसको, नहीं तो हमारे पटाटे जो पूरे गल जाएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली रेसिपी फ्री में देखने मिलेगी। उसके बाद अब हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे। हमारी भाजी हो गई है रेडी, हमारा चावल भी पक रहा है धीरे धीरे। चावल अब हम आटे का डो बना के रोटी बनाएंगे, फिर आपको डिश आउट करके भाजी को बताएंगे। रेडी हो गई है हमारी सोवा मेथी की भाजी, भी देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। और हमारी दाल भी पक गई है, रोटी चावल हमारा फुल मील रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो अगर आपके घर में भी ये भाजी बनती होगी। एकदम सिंपल है, इजी, सोवा मेथी पालक तो आजकल इंडियन डिश ही है, ये नॉर्मल सबके घर में बनती है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।